हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैर से होंगे, आपका बिजनेस ग्रो कर होगा। आज इस स्टूडियो में देखते हैं कि आप कैसे अपने पेयर को अकाउंट को 100% अप्रूव करवा सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो जो क्रिएट की थी नया पे का अकाउंट को हमने इंटीग्रेट किया था, जो 4 सिंपल स्टेप होते हैं उनको हमने किया था। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, स्क्रीन के ऊपर आपको जो थंबनेल है वो शो हो रहा होगा, आप दोबारा जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि आप कैसे अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और नया पे का बैंक जो IBAN नंबर है जो आपको प्रोवाइड किया नया पे ने वो आप एड कर सकते हैं। नया पे का प्रोसेस वेरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप उसे अप्लाई करते हैं 12 to 24 आवर्स में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है, लेकिन उसे अप्रूव्ड कैसे करवाए, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम किन चीजों को इग्नोर बिल्कुल ना करें, यहां पे एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा। पहले कुछ टाइम पहले पॉलिसीज चेंज थी, अभी पेयर की पॉलिसीज अपडेट हो चुकी हैं। पहले वो आपका पर्सनल अकाउंट एक्सेप्ट करता था, आपसे बिजनेस के लिए कुछ रेफरेंस ही मांग रहा था कि आप हमें आपका, जैसे हम अपने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में जाएं तो मैंने क्या फॉर एग्जांपल अपना अकाउंट ओपन करना है, सेम बैंक में अगर मेरे वालिद साहब का अकाउंट है तो मैं उनका चेक लेके जाऊंगा और मेरा अकाउंट इजी क्रिएट हो जाएगा। तो अभी यही सिचुएशन जो है हमारे साथ है, तकरीबन सारे बैंक्स ने इसी तरह कर दिया है। आपके पास लास्ट ऑप्शन है वाइस का। पेयर को अकाउंट को क्रिएट करने से पहले वाइस का अकाउंट आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आप वाइस की जो है डिटेल्स यूज करते हैं, बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स जो आपको प्रोवाइड करता है वाइस, उसको यूज करते हैं अपने पेयर के अकाउंट को अप्रूव करने के लिए। चलिए स्क्रीन में चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास कौन से वो 7 या 8 डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपने प्रोवाइड करना है और आपका अकाउंट 100% अप्रूव हो जाएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको हेल्प आउट करेगी कि आप कहीं पे मिस्टेक ना कर रहे। तो हम अपनी स्क्रीन में चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो गेट योर अकाउंट पेयर अकाउंट अप्रूव्ड। तो अप्रूव करवाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो एक डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको ग्रुप में पोस्ट, जो फाइल है वहां पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो व्हाई प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, सो वी हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट यू एंड योर बिजनेस टू मीट रेगुलेशन एंड अप्रूव योर अकाउंट। आपके अकाउंट को अप्रूव करने के लिए रेगुलेशन को मीट करना है, जो इनकी पॉलिसीज हैं, जो बैंक की पॉलिसीज हैं, जो आपको बैकेंड के ऊपर इनका बैंक मिल रहा है उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको रेगुलेट को मीट करने के लिए, उनको मैच करने के लिए आपकी पर्सनल और बिजनेस डिटेल इनके पास है जानी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस, तो एड्रेस में आपके घर का एड्रेस होगा, पाकिस्तान का एड्रेस होगा, जहां पे आप रहते हैं, आपका होम एड्रेस। अगर आप रेजिडेंस दुबई में, UAE में, मलेशिया में या US में, UK में कहीं पे भी हैं, तो आप वहां का रेजिडेंस एड्रेस डालेंगे जहां पे इस वक्त आप रेजिडेंस हैं। तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो एड्रेस है वो आपने यहां पे एड कर दिया। स्ट्रीट एंड नंबर आपने स्टूडेंट नंबर, मोर एड्रेस, सिटी, कंट्री आपने यहां पे, जिस कंट्री में रह रहे हैं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रह रहे हैं तो आपने ये एड्रेस ऐड करना है। अगर आप मलेशिया में रह रहे हैं तो आपने मलेशिया का एड्रेस ऐड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में अपने होम एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस ऐड कर देना है। उसके बाद मैं वापस जाता हूं, हमने अब उसके बाद क्या है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक न्यू फीचर, ये न्यू ऑप्शन है जो हर अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपसे दोबारा पेयर पूछ रहा है और इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, सबमिट अ बैंक स्टेटमेंट इफ यू साइंड अप अ पेयर एज अ इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, इंडिविजुअल साइन अप करें हैं तो आपके पास पाकिस्तान की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट हो जो सिर्फ आपके नाम के ऊपर हो, आपका नाम और नीचे जो एड्रेस आप ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में दे रहे हैं वो सेम एड्रेस उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लिखी हो, और अगर बैंक की स्टैंप उसके ऊपर लिखी हो और साइन ऑथराइज्ड पर्सन के उसके ऊपर हो तो वो आपके लिए बेनिफिट है ज्यादा अप्रूव होने के लिए। और सेकंड, आपके पास If you signed up to Payoneer as a company, अगर आपके पास लिमिटेड या LLC कंपनी है, provide a statement from a company bank account. तो provide a company bank account, तो मतलब ये कि आप उसे बैंक अकाउंट दे रहे हैं आपकी कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल वाइस का, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे और वो यहां पे आपने अपलोड करने हैं बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है बिजनेस डिटेल क्वेश्चन ईयर, तो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पुराना ऑप्शन है, ये सबको पता होगा, लेकिन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप मार्केट प्लेस सेलर हैं तो आप टू रिसीव फंड्स फ्रॉम मार्केट प्लेस, तो मार्केट प्लेस का ऑप्शन जो है वो बहुत फास्ट अप्रूव होने के चांसेस है उसमें, क्योंकि उसमें आपको वेबसाइट और वेबसाइट या एफिलिएट्स है, तो एफिलिएट्स के लिए वेबसाइट, तो ये आपको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डालता।
मार्केट बेस होने की वजह से आपका अकाउंट जल्दी अप्रूव हो जाता है। अगर दूसरी हो तो आपके से स्क्रीनशॉट मांगेगा, आपकी पॉलिसीज मांगेगा, तो आपको थोड़ा सा तंग करता है। अगर मार्केट बेस के साथ आपकी एक वेबसाइट है तो वो ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए, वो ईजी है, आपको ज्यादा जल्दी अप्रूव करने के चांसेस आपके हाई है, 80% से 90% हो जाते हैं आपके चांसेस। तो टू रिसीव फंड्स फ्रॉम मार्केट प्लेस, टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स, तो फ्रीलांसर्स कस्टमर्स करेंगे, टू पे सप्लायर्स, तो आपने सप्लायर्स को पे करना है, टू एक्सेप्ट क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट्स, तो आपने अगर अपने क्लाइंट से पेमेंट लेनी है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से तो आप ये भी कर सकते हैं, टू कंसोलिडेट एंड कन्वर्ट करेंसी, तो करेंसीज को अगर आपने कन्वर्ट करना है लेना है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे मार्केट प्लेस के लिए अगर करते हैं तो मार्केट प्लेस या रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स या टू पे सप्लायर, तो आप सबको ऑप्शन को आप अपनी बिजनेस नेचर के हिसाब से देखेंगे कि आप कौन सा बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट द कैटेगरी द बेस्ट डिस्क्राइब योर लाइन ऑफ अ बिजनेस, तो आप यहाँ पे अपने लिए कैटेगरी चूज करेंगे। अगर आप डिजिटल गुड्स बेच रहे हैं तो डिजिटल गुड्स, अगर आप मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, अगर आप आर्ट एंड डिजाइन कर रहे हैं तो उसको कर लें, तो आपके पास ऑप्शंस है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, पर्सनल सर्विसेज है तो प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो रिटेल है तो रिटेल, अगर आप मार्केट बेस कर रहे हैं तो एफबी होलसेल्स कर रहे हैं तो रिटेल आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद डिस्क्राइब द मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट यू डू, तो यहां पे गेम्स टॉयज इंक्लूडेड डिजिटल जो भी कैटेगरी आप सेल करें तो वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। उसके बाद अपेरल एंड फैशन कर दें, यहां पे आप अपनी वेबसाइट देंगे, अगर वेबसाइट नहीं है तो ऑनलाइन स्टोर आपके अमेजोन का सिर्फ लिंक यहां पे डालेंगे, और अगर आप यूके में करें तो यूके का अमेजोन, अगर आप यूएस में करें तो यूएस का amazon.com, तो आपने जस्ट यहां से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद व्हाट इज योर कनेक्शन टू योर वेबसाइट, तो आप यहाँ पे आई मैनेज माय पेज नहीं है, आई एम एन एम्प्लॉयर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव अदर करके आप यहाँ पे लिखेंगे अमेजोन सेलर, तो अमेजोन सेलर डाल देंगे। उसके बाद डज योर बिजनेस हैव एन एडिशनल वेबसाइट, तो नो कर दें, अगर आप मार्केट प्लेस सेलर अगर है तो आप यस के बटन के ऊपर क्लिक करके एक वेबसाइट यहाँ पे डाल दें। उसके बाद अगर आपका ब्लॉग है तो आप ब्लॉग भी यहाँ पे डाल सकते हैं, आपका अगर सब डोमेन के ऊपर बना तो आप तब भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस ऑपरेट्स, हु आर योर कस्टमर्स, तो अगर आप यूएस के अंदर करते हो यहाँ पे सिंपल लिख दे के हमारे कस्टमर्स जो है वो यूएस के अंदर है, इन व्हाट रीजन डज द मेजोरिटी ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी टेक प्लेस, तो उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन का ऑप्शन है, और उसके बाद हमारे पास न्यू बिजनेस है तो 0 to $5,000 कर दे, एवरेज हाउ मेनी परसेंट और टिपिकली मंथ, तो अभी के लिए हम जो ट्रांजैक्शंस है वो 0 to 20 होंगे और सबमिट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने वापस सारे बिजनेस ऑनर इन्फॉर्मेशन, तो ये यहाँ पे आपने जो है वो यूबीओ अपना करना है कि ऑनरशिप आपकी कितनी है, यस करें, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद ऐड बिजनेस ऑनर करें, ऐड इंडिविजुअल करें, यस के बटन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आपने अपनी परसेंटेज ऐड कर देनी है कितने परसेंटेज का आप ऑनर हैं और ऐड कर दें, उसके बाद डायरेक्टर इसी तरह आपने करना है। उसके बाद मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पे कंपनी एड्रेस वेरिफिकेशन है, कंपनी एड्रेस वेरिफिकेशन में आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, आप अपना जो वॉइस की स्टेटमेंट है बैंक डॉक्यूमेंट उसको यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो अदर लीगल डॉक्यूमेंट में आप आईआरएस का CP-575 लेटर यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम और आपका बिजनेस एड्रेस, होम बिजनेस एड्रेस लिखा होता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस आए हैं और आप कंपनी ऑनर स्ट्रक्चर, तो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें, यहां पे आपसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कंपनी ऑनर स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शोइंग योर कंपनीज ऑनरशिप स्ट्रक्चर, तो आपके पास मेंबर्स की ऑनर्स की स्ट्रक्चर यूबीओ होता है इश्यूड बाय द गवर्नमेंट और साइंड स्टैम्प बाय एन अटर्नी नोटरी और एन अकाउंटेंट, तो आप क्या करने वाले हैं, आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयर हैं तो आप खुद भी इसके स्टैंप अपनी कंपनी ले लें, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप को लगाएं और अपने साइन नीचे कर लें, तो आप इस तरह करके भी इससे कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट वी नीड दिस, तो वी आस्क फॉर दिस टू गेट नो योर कंपनी एंड योर लाइन ऑफ बिजनेस बेटर द मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, द हाई क्वालिटी अनक्रॉप, तो अनक्रॉप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इसका जो डॉक्यूमेंट है जो यूबीओ डॉक्यूमेंट है वो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं फाइल्स में जाके आपके लिए इस ग्रुप के अंदर अपलोड फाइल करूंगा और मैं यहां से डाउनलोड में जाके आपके लिए यूबीओ का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। एग्जाम्पल है, आप इससे जो है यूज कर लें, यूबीओ डॉक्यूमेंट मैं लिख देता हूँ। लिख दिया,
ठीक हो गए, अभी टेम्पलेट कर देता हूं, सॉरी अभी ये टेम्पलेट मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके ग्रुप में से इस डॉक्यूमेंट को जो है वो डाउनलोड कर ले, ठीक हो गया, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए यहाँ पे अभी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये न्यू डॉक्यूमेंट है, आप इसे डाउनलोड कर ले, कॉपी ऑफ यूबीओ हमने पहले भी अपलोड किया था, इसको दोबारा अपलोड कर दिया, आप दोबारा इसे वहां से डाउनलोड कर ले। उसके बाद मैं वापस जाऊंगा और यहां पे क्लिक करूंगा, फिर इसके बाद क्या आता है, कंपनी वैलिडेशन डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपके पास कंपनी आपकी अमेरिका में है तो सिलेक्ट कंपनी, और यहाँ पे आप IRS डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड IEIN कर सकते हैं, या बिजनेस लाइसेंस में आप अपने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपलोड कर सकते हैं। IRS का डॉक्यूमेंट CP575 आप दोबारा यहाँ पे अपलोड कर दें तो बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर क्लियर लिखा होगा, आपका EIN भी लिखा होता है। उसके बाद नया पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें, नया पे की जो बैंक स्टेटमेंट है आपने उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आपने बिल्कुल इसी तरह इन चीजों का ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, शायद इसमें से कोई आपके लिए काम आने वाली हो, अगर आप किसी और वे से सोच रहे थे या आप किसी और तरीके से करने जा रहे थे तो इस जो प्रॉपर वे है इसको फॉलो करें, इससे आपका अकाउंट जो है वो 100% अप्रूव हो जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इस रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल करना है, ये सारी रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल करने के बाद 3 दिन का आपको बोलेंगे, लेकिन पेयोनियर आपको 3 दिन में अप्रूव नहीं करता, वो मैक्सिमम 5 to 10 working days आपके लिए लेता है। सपोर्ट के लिए आप इसको इजी, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है अकाउंट के अंदर, आप जस्ट यहां पे जाएं, और यहां पे जाने के बाद आपने यहां पे माय अकाउंट माय पेयोनियर अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करें, पेयोनियर अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करें, और रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हाउ डू आई अप्लाई माय पेयोनियर, व्हाई वाज माय डिक्लाइन, और व्हेन विल माय एप्लीकेशन बी अप्रूव। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है कॉन्टेक्ट अस के बटन के ऊपर क्लिक करें, कॉन्टेक्ट अस के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू ब्राउजर में एक हो जाएगा, यहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल सेंड मैसेज ईमेल कर सकते हैं, लाइव चैट है, और कॉल अस का आपके पास ऑप्शन है, तो आप इस तरह करके इनसे बात कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा और 3 दिन से ज्यादा हो गया तो इनको रोजाना याद करवाएं कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़ी है, तो आप इस तरह करके इनसे बात कर सकते हैं। चैट से बात करें, उनको बोले कि प्रायोरिटी के ऊपर करवा दे, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने आ गए, तो ये आपकी हेल्प आउट जरूर करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर रहे हैं कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।